जय गुरु। आज का आलोचना का टॉपिक है ठाकुर जी कितनी बार आत्म प्रसाद के उद्गार के साथ कहते थे, जो देख गया हूँ मनुष्य यदि उसका अनुसरण करे, इसे देख सुनकर चले तो कभी भी वो गर्त में नहीं पड़ेगा। चलिए इसके ऊपर आलोचना करते हैं। मनुष्य के स्वर्गीय कल्याण के लिए वे सर्वदा उत्कंठित रहते हैं। अवनति को रद्द कर मृत्यु का निराकरण कर मनुष्य को धर्म तथा कर्म में आरूढ़ कर जीवन को उन्नत कर सफलता में सुव्यवस्थित कर देना ही था उनके जीवन का मूल उद्देश्य। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने सनातन वैज्ञानिक धर्म कृष्टि तथा जीवंत आदर्श पर आधारित दीक्षा शिक्षा वैशिष्ट्य वर्णाश्रम दशविध संस्कार नित्य पंच महायज्ञ प्रतिलोम विवाह का निराकरण अनुलोम विवाह के प्रवर्तन इत्यादि की आवश्यकता तथ्यों के उद्घाटित किए हैं, जिनको अभिव्यक्ति उनकी अगणित वाणियों तथा कथाओं से सुस्पष्ट रूप से हुई है। उनका यह अवदान अंधकार में पड़े मानव मात्र के लिए एक महान ज्योतिपुंज है, एक महान अमृत का सागर है, जिनमें हम पाते हैं हमारी सभी समस्याओं का सामंजस्यपूर्ण समाधान और नए जीवन तथा नए जगत का अनुसंधान। स्नेहातुर सदा सर्वदा व्याकुल हृदय से मानव के कल्याण के लिए तथा उन्हें तृप्त और बंध करने के लिए वे अमृत परिवेशन करते रहते हैं। सुधा वसन चलता ही रहता है। वे कभी कभी कहते हैं, मेरे शरीर की ऐसी अवस्था है कि मेरा शेष निश्वास सामने आकर खड़ा हो गया, फिर भी सोचता हूँ जितना कष्ट मुझे होना है हो, मुझे जो देना है देकर ही जाऊँगा। इससे किसी एक मनुष्य का भी यदि उपकार हो वही मेरा लाभ है। कितनी बार आत्मप्रसाद के उद्गार के साथ वो कहते हैं, जो दे गया हूँ मनुष्य यदि उसका अनुसरण करे, इससे देख सुनकर चले तो कभी भी वो गर्त में नहीं पड़ेगा। इसी जगत का कुछ भी श्री ठाकुर की दृष्टि से ओझल नहीं था। मनुष्य के जीवन की प्रत्येक दिशा, व्यक्ति, दंपति, गृह, समाज, राष्ट्र, सभी विषयों के नाना समस्याओं का सूक्ष्म से सूक्ष्म विश्लेषण तथा उनका समाधान उन्होंने दिया है, जो अतीत में लोगों को मिला नहीं था। उनकी अजस्र वाणियों को विषय विन्यास करके सत्संग पब्लिशिंग हाउस द्वारा उनके अनेक पुस्तक खंडों में प्रकाशित किया गया है, जो वर्तमान तथा भविष्य के लोगों का महासंपद है। जय गुरु।